हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी A04e फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी A04e फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन को बिना डाटा लॉस के कैसे रीसेट कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि विदाउट डाटा लॉस फ़ोन को रीसेट कैसे कर सकते हैं इस ऑप्शंस के जरिए। तो बताने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शोर हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में बिना डाटा लॉस के आप फ़ोन को रीसेट कैसे कर सकते हैं और कैसे फ़ोन को बिना डाटा लॉस के रीसेट कर पाएंगे, तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया एक्सेसिबिलिटी। तो एक्सेसिबिलिटी पे जाते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी पे जाकर आपको इसको बैक करना है, क्योंकि जनरल सेटिंग्स पे जाना है। जनरल सेटिंग्स पे जाकर रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप रीसेट ऑप्शंस पे जाकर बिना डाटा लॉस के आप फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं। बस जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, देख सकते हैं कि जब आप इस पर टैप करते हैं रीसेट ऑल पे, तो रीसेट ऑल पे जाकर बिना डाटा लॉस के आप फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी आप सेटिंग्स वगैरह को रीसेट कर सकते हैं। पर जो आपका फ़ोन का डाटा होता है यहाँ से लॉस होने से बच जाता है, क्योंकि इसको आप यूज़ करते तो बिना डाटा लॉस के भी आप फ़ोन को रीसेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी बिना डाटा लॉस के फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं हमें सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में, और बिना डाटा लॉस के फ़ोन को रीसेट कर पाएंगे इस ऑप्शन के जरिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो